मती रिवर फ्रंट है वो कितना डेवलप्ड है, कैसा है? इंडिया में ज्यादा है नहीं, आप ज्यादातर रिवर्स देखेंगे तो रिवर फ्रंट नहीं मिलेगा हमें। सी फ्रंट्स है बॉम्बे में, मरीन ड्राइव है और बहुत सारी जगह पे सी फ्रंट्स बने हुए हैं, लेकिन रिवर फ्रंट्स कम ही हैं। जो कीज या जेटीज देखने को मिलती थी पहले कार्गो लोडिंग अनलोडिंग के लिए, सूरत में भी बनी हुई है, वलसाड़ में बनी हुई है, जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं आपको डाउन साउथ सब जगह मिलेगी। लेकिन जब हम पेरिस की बात करते हैं और जो सेन रिवर है वहाँ की बात करते हैं, तो वहाँ का जो रिवर फ्रंट है और हमारा रिवर फ्रंट साबरमती का है, उसके कंपेरिजन का एक चांस इसलिए बनता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पेरिस ऐसा कैसे इतना एडवांस्ड मॉडर्न और से लीडिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, जो पॉपुलेशन करीब 20-22 लाख है, हमारी यहाँ 50 लाख अहमदाबाद की क्रॉस कर चुकी है, और इतने सालों के बाद वहाँ का जो रिवर फ्रंट है वो आईफिल टावर बने हुए 100 ईयर्स हो गए। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वहाँ पे एज ए सिंबल ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस उसको क्रिएट किया गया था, और उसी रिवर के किनारे बना हुआ है जो सेंट्रल पार्ट है पेरिस का। तो मेन चीज ये है कि यहाँ का जो अभी रिवर फ्रंट बन रहा है 2005 से, और उसकी प्लानिंग करीब 2001-2 से चालू हुई, और 2012 में जब उसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया पार्टली, छोटा सा पार्ट, और अभी 2021 में भी पूरा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। एम्यूजमेंट नहीं मिलेंगे आपको, स्पोर्ट्स नहीं मिलेंगे, पब्स नहीं मिलेंगे, कैफे नहीं मिलेंगे, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे, वाटर स्पोर्ट्स नहीं मिलेंगे। हालांकि एक दो तीन चीजें अच्छी भी हुई है, जैसे जो वाटर एरोड्रोम है वो अच्छा है, जो साइकिलिंग पाथ है, ट्रैक्स हैं वो अच्छे हैं, वॉकिंग ट्रैक्स अच्छे हैं, गार्डन्स कुछ एक बहुत अच्छे बन गए हैं। लेकिन जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था और जितना फ्लेक्सिबल और कोहरेंट, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड, ये थोड़ा रिजिड नजर आ रहा है। तो इसके कुछ एक पॉइंट्स हमें डिस्कस करने चाहिए, जिससे कि जो आने वाला समय, आने वाले 5-10 ईयर्स में इसका जो डेवलपमेंट होने वाला है फेज 2 का, वो और बेटर हो पाए, और हम एज ए सिटीजन फोरम या कह सकते हैं कि सिविक सोसाइटी, हमारा इन्फ्लुएंस जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन पे ऐसे डिस्कशन के थ्रू, हमारी जानकारी के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू उन तक पहुंचे। रिवर फ्रंट के दो पार्ट हैं, एक रिवर है एक उसका फ्रंट है। तो जो सेन रिवर है और साबरमती है, दोनों में हमें एक रिवर के रिजिम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कैसे हुआ है, क्योंकि बेसिक जो ताना बाना बुना जाता है वो रिवर के इर्द गिर्द ही बुना जाता है। और रिवर फ्रंट वेदर इट इज फॉर कार्गो लाइक इन अर्लियर डेज, जब मेजर ट्रांसपोर्टेशन रोड या रेल या बाई एयर नहीं था, तो सी के थ्रू कार्गो जो जितनी भी जहाजें जाती थी तो उनको लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए की, दैट इज की जो व्यवस्था की जाती थी दैट वाज ऑन टू द वाटर। तो रिवर को समझना बहुत जरूरी है, और दोनों रिवर कहाँ और कैसे है ये देखने लायक है। जो सेन रिवर है फ्रांस में, वो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इसका मैप बना हुआ है, और पेरिस कहीं ही 300-400 किलोमीटर जब इसके सेन रिवर के ओरिजिन के बाद, और ये लास्ट में जब ये ड्रॉप होती है या जहाँ पे जाके मिलती है, ये इंग्लिश चैनल में जाके यहाँ पे मिल जाती है, ये वाला एरिया इंग्लिश चैनल का है। तो आप फ्रांस की टेरिटरी भी देख सकते हैं कि कैसे इसका रिवर्स का सिस्टम बना हुआ है। ये हाईलैंड एरिया है पूरा का पूरा यहाँ पे, और इस साइड में रिवर जाती है, दूसरा रिवर यहाँ से निकल के ये आपको जो दिख रहा है, और ये मेडिटेरियन सी में जाके फोल्ड करती है। तो हमें तो सिर्फ ये अभी सेन रिवर का ही आइडिया लगाना है, और ये पेरिस जो बना हुआ है ये यहाँ पे है, यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा मियंडरिंग है, यू शेप, 3-4 ये कर्व लेती है, और पेरिस उसी पे डेवलप हुआ था स्लोली रोमन पीरियड के बाद में, जो इसके जितने अटैक थे उसके बाद में। नाउ कमिंग टू द साबरमती रिवर, साबरमती रिवर थोड़ा सा छोटा है, ये 700-800 किलोमीटर लंबी है सेन रिवर, ये अपने यहाँ पे लेस देन 500-400 किलोमीटर के करीब साबरमती रिवर है। जो साबरमती रिवर गुजरात में है, वेस्ट फ्लोइंग है, तो यहाँ पे 3-4 रिवर है, जैसे माही है, नर्मदा है, तापी है, और एक जो लूनी है राजस्थान में बेसिकली है, ये गुजरात का नहीं है पार्ट, लेकिन ये इनलैंड है, यहीं पे आके इसका खत्म हो जाता है। तो जब साबरमती का फ्लो है वो जो अहमदाबाद तक पहुंचता है, तो काफी ये बड़ा फ्लो हो जाता है, लेकिन द मेन थिंग इज दैट दिस इज नॉट ग्लेशियर और आइस फेड रिवर एज द सेन रिवर इज। यहाँ पे हमें केवल सीजनल फ्लोज मिलते हैं, पानी पूरे साल नहीं मिलता है। क्या
4-5 महीने बारिश आएगी तब पानी का अच्छा खासा डिस्चार्ज रहता है, 15,000 क्यूमेक तक पानी पहुंच जाता है, और जो लीन फ्लो है वो तो 2-3 हजार में ही रह जाता है। और आजकल तो जैसे दरोई डैम बना हुआ है तो इसके आगे हमें मिल नहीं पाता है। तो इसकी एक चीज ये देखने लायक है कि हम जब पेरिस को और अहमदाबाद को कंपेयर करें, सेन रिवर और साबरमती को कंपेयर करें, तो लेंथ है जो थोड़ा ज्यादा है सेन रिवर का, और जो लेंथ साबरमती का है वो करीब 400 किलोमीटर है। ये बर्गनी से स्टार्ट होके इंग्लिश चैनल में फॉल करती है, और जहाँ तक साबरमती का सवाल है ये व्यवहार लेकर अरावली हिल्स उदयपुर के पास है, वहाँ से खम्बात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो ये छोटा सा एक कंपेरिशन है। अब हम दोनों के फ्रंट्स का देखते हैं कि फ्रंट्स कैसे बने और कैसे डेवलप हुए हैं। तो ये पेरिस का जो मेन डेवलप्ड फ्रंट है, जो करीब करीब आप मान सकते हो कि 19th, 20th और 21st सेंचुरी, ये थर्ड सेंचुरी है जिसमें ये फ्रंट का डेवलपमेंट है। 19th सेंचुरी से इसका डेवलपमेंट चालू है। मैं आपको फैक्ट्स में बताऊंगा कि कैसे कैसे इसका किंग्स ने, वहां के जो फ्रांस के रूलर्स थे, कैसे इसका डेवलपमेंट सैंक्शन किया, कैसे इस पे खर्चे एक्सपेंसेस किए, कैसे बजट एलोकेशन हुआ। तो ये कितना अभी जो दिख रहा है आपको डेवलप्ड है, ऐसे करीब 70 ब्रिजेस हैं, और ये रिवर के दोनों साइड में, जैसे साबरमती के दोनों साइड में दिखता है, आप यहाँ पे भी गौर फरमा सकते हो। और यहाँ पे ये जो अभी भी सिस्टम है कीज का यहाँ से कार्गो जाने का, तो ये देखने लायक चीज है। ये साबरमती का रिवर फ्रंट है। इससे पहले आप 2005 के पहले की यदि साबरमती आपने देखी है तो ये उससे तो 100 गुना अच्छा दिखेगा आपको। ये करीब करीब आप मान सकते हो कि 2012-13 का ये डेवलपमेंट है जब फर्स्ट टाइम इनोग्रेशन हुआ था, और ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है जब काफी कन्फाइंड हो चुका है। ये इसके बाद प्रीमियर का यहाँ पे आया था तो लाइटिंग का खूब अच्छी व्यवस्था हुई थी, और ये गार्डन है हमारे साबरमती रिवर फ्रंट का। तो इतना मैं नहीं कहता कि डिस्करेजिंग है, बट जहां तक जो सेन रिवर के रिवर फ्रंट या पेरिस रिवर फ्रंट का हमें है, तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे अप्रोच जो सिटी से है वो रिजिड है, वॉल्स हैं, रिटेनिंग वॉल्स हैं, और जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो आपको नहीं दिख रहे हैं ज्यादा। तो वो एक बहुत बड़ा दिक्कत करता है कि रिवर फ्रंट का जो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है वो कम दिखता है। तो पेरिस का रिवर फ्रंट काफी लंबा है। मैंने आपको बताया कि जब रिवर सेन रिवर पेरिस में एंटर करती है तो करीब करीब 3 टाइम मेंडरिंग यू टर्न लेती है, तो इसकी जो लेंथ है करीब करीब 50-60 किलोमीटर हो जाती है। उसको क्रॉस करने के लिए जो डेवलपमेंट हुआ है सिटी का, केवल 20 से 22 लाख पॉपुलेशन है, तो 70 ब्रिज बने हुए हैं वहां पे। तो इसका रिनोवेशन जो है 19th सेंचुरी में 1853 से 1870 के बीच में होसमैन रिनोवेशन ऑफ पेरिस कहा जाता है। ये किंग नहीं थे वहां के, एक मिनिस्टर थे, और वहां पे इनको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। उन्होंने खुद एक मास्टर प्लान तैयार किया था पेरिस का। उससे पहले पेरिस जाना जाता था कि चोरी उचक्के वाला शहर है, गंदगी थी, अंधेरा था, गलियां बिल्कुल लिट नहीं थी, वेल लिट नहीं थी। सो क्रेडिट ऑलवेज गोज टू होसमैन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेरिस एंड रिवर फ्रंट ऑफ द पेरिस। जितना आपको दिख रहा है वहां का, तो मेजर जो चंक है वो आज तक भी होसमैन के नाम से ही जाना जाता है, कि होसमैन रिनोवेशन वॉज द मेजर एंड क्रिटिकल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेरिस एंड द सेन रिवर। उसके बाद 1925 में, करीब 100 ईयर्स के बाद, जो लिकरबूजियर चंडीगढ़ के प्लानर हैं, आफ्टर हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई उसके बाद चंडीगढ़ क्रिएट किया गया। अहमदाबाद के पास गांधीनगर भी एक प्लांट सिटी है, तो उसमें भी लिकरबूजियर का काफी इन्फ्लुएंस रहा है। तो ये इंडिया में तो करीब 1960 के करीब इसका कमीशनिंग हुआ था, लेकिन 1925 में वहां पे इन्होंने मास्टर प्लान अपने एक फ्रेंड के कहने से सबमिट किया था कि अब जब पूरा वर्ल्ड इस फास्ट पेस से डेवलप हो रहा है तो पेरिस कैसा होना चाहिए। तो 1925 में जो लिकरबूजियर का मास्टर प्लान था वो भी काफी इन्फ्लुएंस किया जो मॉडर्न पेरिस है, जो मॉडर्न कल्चर है पेरिस का, तो ये काफी उसमें इन्फ्लुएंस रखता है। जो अहमदाबाद का रिवर फ्रंट है, अभी तक करीब 11.5 किलोमीटर बन चुका है, और सेकंड फेज में 5.5 किलोमीटर के करीब इसी साल 2021 में इसको
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और गुजरात गवर्नमेंट का सैंक्शन मिला है, 10-12 ब्रिजेज हैं, 70 ब्रिजेज हैं सेन रिवर पे विद इन पेरिस सिटी। हमारा टोटल सिटी का लेंथ देखा जाए, रिवर का जो क्रॉस कर रही है वो करीब 25-30 किलोमीटर है टोटल लेंथ, क्योंकि मीएंडर नहीं कर रही, मेंडरिंग की वजह से ये स्ट्रेट ऑलमोस्ट स्ट्रेट निकल जाती है, छोटा सा बेंड है। इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग 2005 में हुई थी, फर्स्ट ओपनिंग 2012 में हुई, तो मतलब ये एक बहुत ही ज्यादा रिजिड इसलिए है कि छोटे से टाइम ड्यूरेशन में इसको हम डेवलप करना चाहते हैं। इंडिया डेवलपिंग वेरी फास्ट एंड वी हैव नाउ बजट एंड अलोकेशंस फॉर सच एक्टिविटीज, लेकिन जो सेन रिवर का रिवर फ्रंट है उसका डेवलपमेंट देखा जाए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कम से कम 2 सेंचुरीज का है और फ्लेक्सिबल है। तो आपको बिलीव नहीं होगा, अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है सेन रिवर पे वो एक आर्टिफिशियल बीच बना रहे हैं। पेरिस डजंट हैव ए सी बीच, तो वो उनको अपने सिटीजन एंटरिंग एक्टिविटीज में वहाँ की जो कॉरपोरेशन है वहाँ पे एक आर्टिफिशियल बीच वन ऑफ इट्स काइंड बना रहे हैं। तो ऐसे चीजें करने के लिए काफी एफर्ट्स, काफी अलोकेशंस की जरूरत, रिसोर्स अलोकेशन की जरूरत पड़ती है। तो 2005 से 2012 के बीच में हुआ, 2012 से 20 के बीच में काफी चीजें और खुल गई है रिवर फ्रंट पे, काफी वाइब्रेंट है रिवर फ्रंट, नो डाउट इन दैट, बट स्टिल आई हैव सम रिजर्वेशंस अबाउट इट्स ओपननेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी विद द सिटी। यहाँ के बहुत ही अच्छे प्लानर हैं जो एचसीपी एससी पटेल हैं, उनके जो लीडिंग आर्किटेक्ट है बिमल पटेल, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है और इसी डायरेक्शन में आप सोच सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए। ये एक स्कोप जैसा है कि जो रिवर फ्रंट पेरिस का है वो डेवलप्ड है और वहाँ पे कुछ एक अभी भी आर्टिफिशियल बीच का जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया वो बन रहा है, और अहमदाबाद रिवर पार्शियली डेवलप्ड है, slowly it is gaining, we are allocating resources for the development, but it needs more flexible approach in terms of sports, amusement, cafe and allied services. There must be some modern culture to feel when the young population really stepping up and going on to the riverfront, then it will become more vibrant, more and more vibrant in coming days. So that is the requirement of this. Bend ki baat kar raha tha main ki kyun itna lamba iska जो रिवर फ्रंट है या रिवर का इतना सेन रिवर का इन्फ्लुएंस है पेरिस में, तो ये आप देख सकते हो, दिस इज जस्ट वन बेंड। यहाँ पे कहीं पे जो है वो एफिल टावर है जहाँ पे मैंने राउंड बनाया है वो है, और ये पेरिस के काफी यहाँ पे जो वहाँ के म्यूजियम्स हैं और वो इसी लूप में है, और ये वेल डेवलप्ड एक लूप है सेन रिवर का। बाकी के दो जो मियंडर हैं इसके वो भी डेवलप्ड हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। जब भी आप एज ए टूरिस्ट या वहां जाते हैं तो मेनली आप यहाँ पे ही रहना पसंद करोगे, यहाँ के दोनों बैंक्स पे जो राइट और लेफ्ट बैंक है, एक तरफ कार्गो हैंडलिंग होता है, एक तरफ अम्यूजमेंट एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज चलती रहती है, तो बहुत आप पसंद करोगे। मैंने जब इसको 15-20 साल पहले देखा था तभी इतना ज्यादा डेवलप्ड और इतना कंफर्टेबल फीलिंग आती थी, तो अब तो और भी एडवांस्ड फैसिलिटीज होगी इस पे। ये एक बहुत ही अच्छा व्यू है हमारी साबरमती रिवर फ्रंट का, जो हमारी पिछली मेयर थी बिजल पटेल, उन्होंने एक बार शेयर किया था तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छी लाइटिंग और बहुत ही अच्छा व्यू साबरमती रिवर फ्रंट का मिल रहा है, और ये एक और लाइटिंग के साथ, सो नो डाउट इट्स ब्यूटीफुल रिवर फ्रंट। एंड ऑल अदर सिटीज, स्मॉलर सिटीज शुड हैव and should get inspiration from the Ahmedabad riverfront. It can be done. The amount which we are spending is just 2,000 crore. ये इतना mentioned है अहमदाबाद को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वेबसाइट पे, थोड़ा बहुत ज्यादा हुआ होगा, दूसरी स्कीम से आया होगा 2,000 crore। तो आप छोटा रिवर फ्रंट, छोटी सिटी में जैसे मोरबी है, वलसाड़ है और दूसरी छोटी सिटीज हैं अदर स्टेट्स में, तो उनमें यदि हम 2-5 किलोमीटर का रिवर फ्रंट बनाते हैं तो 500 करोड़ से 1000 करोड़ का एक बजट एलोकेशन किया जा सकता है। रिवर फ्रंट्स हैं जो नदियों के किनारे बने हैं, वो नदियों को विकसित करने का नहीं है एक तरीका, ये पूरी की पूरी एक समाज इससे विकसित होता है। और मेरा मानना है ये कि जो जितना रिवर सिस्टम है, जितना पौंड सिस्टम है, छोटे छोटे गाँव में छोटे छोटे पौंड बने हुए हैं, उनके चारों तरफ पौंड फ्रंट्स है। जैसे यहाँ पे
यू वॉन्ट बिलीव, कांकरिया एक लेक है, तो कांकरिया लेक फ्रंट डेवलप किया गया है, वहाँ 100 करोड़ के करीब का बजट है। तो मैं ये नहीं कहता कि कांकरिया लेक तो काफी बड़ा है, काफी बड़ा इन सेंस कि इसका कम से कम जो टोटल पेरिफरी है वो 2 से 3 किलोमीटर के करीब है। जो गांव में पॉन्ड होते हैं उनकी हार्डली 500 मीटर या 1 किलोमीटर जितनी पेरिफरी होगी। तो पॉन्ड फ्रंट्स बनाने चाहिए, रिवर फ्रंट्स बनाने चाहिए, इससे एक हर कल्चर की, समाज की आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति जाहिर होती है। तो आज का कंपैरिजन मेरा इसलिए था कि इच्छा शक्ति एक गुजरात ने, अहमदाबाद ने दिखाई है कि ये रिवर फ्रंट 11.5 किलोमीटर और अभी 5.5 किलोमीटर, तो ये रिवर फ्रंट इतना देख के पहले मुझे भी लगता था शुरुआत में, जबकि ये टिक नहीं पाएगा, लेकिन ये सस्टेनेबल है, ये काफी इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग कल्चर के साथ हो सकता है। ये सेंट रिवर के एग्जाम्पल में हमने देखा था, हमारा थोड़ा सा रिजिट है, इसको फ्लेक्सिबल करना चाहिए, मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स करने चाहिए, मल्टीपल एक्टिविटीज करनी चाहिए, और थोड़े से जो कल्चरल जो एक्टिविटीज हैं उसको इसके साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। तो ये जो चीज है वो गांव तक लेके जानी चाहिए और शॉर्ट स्पान में लेके जानी चाहिए। हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कब बन सकते हैं, या अर्बन ही रहना चाहते हैं, रूरल को कभी डेवलप नहीं करना चाहते, गांवों को कभी विकसित नहीं करना चाहते, तो ये अप्रोच एक चेंज कर सकती है माइंडसेट को। बहुत सारे गांवों में, मेरे छोटे से गांव में एक पेड़ों का स्टेडियम बन रहा है, लेकिन अभी उसको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोगों से या सरकार से या जो ऑफिशियल्स हैं, दे से नो, दे हेजिटेंट, यू डू दिस मच, ओके आप कर लो अपना, हम कुछ नहीं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम कुछ ना नहीं कहेंगे, हाँ नहीं कहेंगे। तो ये ऐसी पॉलिसी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की है ये नहीं चलेगी। हमें चाहिए कि आज होल हार्टेड सपोर्ट मिले, कोई भी एक ग्रुप डेवलप कर रहा है, अनलेस अनटिल की हमारी सोसाइटी को खराब कर रहा है, देर मस्ट बी काइंड ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स एज वेल एज ब्यूरोक्रेसी। समाज को आगे आना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए। और इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।